देश भर में गणेश उत्सव की धूम है। 10 दिन तक चलने वाले इस पर्व के दौरान लोगों के घर और पंडालों में तरह तरह की मूर्तियों की स्थापना की जाती है। आज गणेश चतुर्थी है और आज घर घर में विराजेंगे गणपति बप्पा। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची। भगवान गणेश का जन्म गणेश चतुर्थी के नाम से भादर मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस पर्व को विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसमें स्नान और उपवास करने से 100 गुना फल प्राप्त होता है और सौभाग्यों की वृद्धि होती है। इस दिन भगवान गणपति की पूजा, उपासना, व्रत, कीर्तन और जागरण इत्यादि करना चाहिए। गणपति को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। हर शुभ कार्य करने से पहले श्री गणेश की पूजा की जाती है। तैंतीस करोड़ देवता में प्रथम पूज्य है भगवान श्री गणेश। रिद्धि, सिद्धि, विद्या, बुद्धि के प्रदाता है गजानंद। जीवन के सभी संसारिक कार्य के लिए, विघ्न के नाश के लिए और कार्य की सिद्धि करने के लिए भगवान गणेश की पूजा की जाती है। और यही वजह है जब किसी कार्य की शुरुआत की जाती है तो उसे श्री गणेश करना कहते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में गणपति विराजमान है। पूजा पाठ, विधि विधान, हर मांगलिक कार्य को शुरू करते समय गणपति की पूजा की जाती है। अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गणपति जी की प्रतिमा का 9 दिन तक पूजन किया जाता है। बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। 9 दिन बाद गाजे बाजे से श्री गणेश की प्रतिमा को किसी जल में विसर्जित किया जाता है। गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः। चतुर्थी तिथि आज दिन भर रहेगी, इसलिए अपनी स्थिति के अनुसार गणेशोत्सव की पूजा और स्थापना कर सकते हैं। जय देव, जय देव।